हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमावत लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। नए साल की शुरुआत करते एक नए व्लॉग से। 2023 का पहला शूट। सो बेसिकली ये मेरा शूट नहीं है, मिस्टर बीबी का शूट है। तो मिस्टर बीबी ने हमें फोटोग्राफी के लिए बुलाया और वीडियोग्राफी के लिए किसी और को बुलाया। तो बस मैं सुबह सुबह गया था कार में, क्योंकि कार में मेरा जो अडेप्टर था वो अडेप्टर भूल गया था। तो अडेप्टर लेके आगे ना वी के चाय वाय पी के सब फुल ऑन रेडी। अभी सिर्फ कैमरे का बैग पैक करता हूँ, निकलता हूँ। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और हमारे साथ है मिस्टर बीबी। और मिस्टर बीबी कैसे हो? और मिस्टर बीबी के साथ फिर से नए साल के दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन भाई। क्या बोलते सचिन भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फर्स्ट साल का पहला दिन है। हाँ। और पहले दिन पे पहला शूट है अपने साथ में, अपने साथ। तो मतलब ये शूट मेरा भी नहीं है, मिस्टर बीबी का पहला शूट है। मतलब आज मैं काम करूंगा, आज मेरा ऑर्डर नहीं है इसके लिए। मिस्टर बीबी कैसा लग रहा है, आपका पहला ऑर्डर है 2023 का? नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ। न्यू ईयर फर्स्ट डे फर्स्ट शूट, अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब, हमारा शूट हो चुका है खत्म। तो मतलब अभी 4 बज रहे और हमारा शूट हो चुका है खत्म। और मैं यहाँ पर मतलब ट्रांसफर पे रखा हूँ, यहाँ पर लैपटॉप है ये मेरा, तो लैपटॉप पे ट्रांसफर पे रखा हूँ। और कहाँ पे गए बाकी वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर? तो यहाँ पे ये हमारे वीडियोग्राफर के असिस्टेंट है। ये नीचे गिर रहा है। अरे दादा चढ़ गए क्या? तो ये हमारे सचिन भाई पहला दिन 2023 का साथ में काम किए, और अभी आगे और काम बाकी है। जरूर जरूर, और आगे काम करेंगे साथ में। तो चले चलो निकलते, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और अभी चलो बाय गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे अभी रात के, और मैं यहाँ से निकला हूँ अभी गोरेगांव से। क्योंकि गोरेगांव में क्यों आया था, गोरेगांव से मैंने एक फ्लैश लिया था और एक लेंस भी लिया था। मतलब मैंने नहीं लिया था, मिस्टर बीबी लेके आया था साथ में, क्योंकि उसका ऑर्डर था ना इसके लिए। मतलब उसको अर्जेंटली घर पे जाना पड़ा, तो इसके लिए मैं गोरेगांव आया, लेंस दे दिया और अभी यहाँ से निकला हूँ। और आने के टाइम भाई साहब मेरे साथ जो हुआ, मतलब एक इंसान अगर उसको लेफ्ट में जाना है, ठीक है, लेफ्ट में जाना है तो वो लेफ्ट मार, मतलब पहले से लेफ्ट इंडिकेटर देखे रखो ना, अचानक लेफ्ट में मारना डायरेक्ट जाके, मतलब थर्ड मैंने भी ठोक दिया और पीछे वाले ने आके मेरे को ठोक दिया। तो पीछे वाला बाइक वाला था, तो बाइक वाला आके मेरे को ठोका ना, तो मेरा पीछे का नंबर प्लेट टूट चुका है। तो और आगे का मतलब बम्पर थोड़ा अंदर हो गया, तो अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर हुआ, बट मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना उसके ऊपर, बट अभी कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, क्योंकि उसके साथ फैमिली थी, अगर वो अकेला रहता था ना। बट कोई नहीं, अभी पहला दिन है 2023 का, और मतलब बोलते ना बड़ी टला आती है तो उसके पहले छोटी टला, मतलब समझ गए ना। कोई नहीं, अभी कल जाऊंगा, कल मेरे को गाड़ी देना रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 5 तारीख को मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गाड़ी लेके। कहाँ जा रहा हूँ वो तो 5 तारीख को ही आपको पता चलेगा। मेरा फोन भी बंद हो चुका था, नहीं तो मैं वो रिकॉर्ड करता था वहाँ पर। वो इंसान को मैंने बोला कि लेफ्ट में गाड़ी दबा और रुका, और वो इंसान रुका ही, डायरेक्ट भाग गया। मतलब समझ गए ना, गलती जिसकी रहती है वो भागता ही है। और पीछे वाला बाइक वाला मेरे को आके बोल रहा है, भाई मैंने, मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं बोला भाई मैंने सामने से आके नहीं ठोका तेरे को, तू पीछे से आके ठोका है मेरे को, और वो उसने ब्रेक लगाया इसके लिए हुआ। ऐसा थोड़ी मैं पीछे देख के चलाऊंगा क्या? चलो जो हुआ सो हुआ, पहला दिन था 2023 का, अच्छा भी गया और बुरा भी गया दोनों। मतलब अच्छा इसलिए गया क्योंकि मेरा सुबह शूट था, और बुरा इसलिए गया आते टाइम थक गई थोड़ी इसके लिए। बाकी तो सब सही चल रहा है, बट थोड़ा मूड ऑफ हो गया, तो अभी कुछ कर नहीं सकते उसका भी। मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के घर पर, फ्रेंड से मिलने आया हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फ्रेंड से मिलने आया, जो कि आपको बताया कि गाड़ी के साथ क्या हुआ, तो मूड खराब था, तो अभी दोस्त लोग से थोड़ा मिलते, बाद में उनके साथ थोड़े बातें करूंगा, बातें करके क्या थोड़ा दिल हल्का होगा, फिर हम चले जाएंगे अपने घर। भैया को खिला खिला के प्रोटीन, भौजी हो गई लीन। भाई साहब मैं तो निकल पड़ा हूँ अपने घर के लिए, अभी टाइम बताने जाऊँ तो 12:30 बज रहा है, और हम लोग बस, मतलब मैं गया था वहाँ पर ऐसे, हम लोग मतलब अकेले ही बिग बॉस देखता हूँ रोज वोट पे, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो जाते हैं, आज बिग बॉस भी देख लिया, मतलब साथ में अकेले अकेले बोर भी होता है, तो मतलब आज मजा भी आया बिग बॉस देखने थोड़ा। और मैं बोल रहा था कि 10 बजे पप्पा का कॉल आया, तो पप्पा बोलते किधर है, तो मैंने पप्पा को बोला गोरेगांव में हूँ, तो बोलते कि अच्छा। मैं बोला क्यों क्या हुआ? बोलता कुछ नहीं, बाद में खाना किधर खाएगा, क्योंकि भाई मालूम है ना आपको गोरेगांव गया है तो बाद में किधर दूसरी जगह भी गया रहेगा, तो उनको बाद में खबर पड़ गई कि कहाँ गया है, तो वो बोलते अच्छा ठीक है आ जाना जल्दी। तो बस जा रहा हूँ अभी घर पे, बट अभी मैं आया था यहाँ पर, बट गाड़ी का जो सीन हुआ है वो पप्पा को नहीं बताया हूँ, मतलब वो पता लग जाएगा। और वो पता कैसे लगेगा पता है,
क्योंकि कल हमारी गाड़ी जाने वाली सर्विसिंग के लिए। अभी कल जाएगी गाड़ी तो वो तो मतलब मैं पापा देखेंगे, तो अभी चिल्लाएंगे पापा, और अभी मतलब देखेंगे अभी कल का रास्ता कल ही देखेंगे। तो अभी वो कल क्या होता है कल के ब्लॉग में देखते हैं अपन। और अभी जाते बहुत लेट हो गया, 12:30 बज गया। पापा को 10 बजे कॉल किए थे तभी तो बोलते हैं कि कितना टाइम में आ रहा। मैंने तभी आधा एक घंटा बोला था, और 10:30 से आधा एक घंटा 11:30 होता है, और अभी 12:30 हो गया, एक घंटा लेट हो गया। मैं नहीं पता आज का ब्लॉग बड़ा बना है छोटा बना है, बट जितना भी बना है मैं तो डालने वाला हूँ बस उतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन आप अपना ख्याल रखना, और तो कुछ नहीं।